अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट शकील अहमद एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहरिया टाउन कराची से। व्यूअर्स, बहरिया टाउन कराची की हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूं, ये मेरे पीछे आप एक 3D मॉडल देख सकते हैं। एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है बहरिया टाउन कराची में। इसके बारे में मज़ीद हमारे साथ एक सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और मज़ीद आपको इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। आइए जी व्यूअर्स, तो इसी सिलसिले में हमारे साथ एक सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव मुबीना बेग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इसकी प्राइस के हवाले से, इसकी लोकेशन, इसकी सराउंडिंग के हवाले से। मुबीना बेग मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आप हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में एक डिटेल दे सकते हैं हमारे व्यूवर्स को, हमारे क्लाइंट को, कि आप इसमें क्या, इसकी सराउंडिंग में या इसके बिल्डिंग में क्या इसकी खसूसियत है, ताकि उनको पता चले कि हम कैसी लाइफस्टाइल और कैसा इसको इंजॉय कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करती हूँ। सब इसका जो पूरा नाम है, इसकी फैमिली मॉरिन रेजिडेंशिया है और पूरा ये ग्राउंड प्लस 38 फ्लोर की बिल्डिंग है। अभी हम देख सकते हैं ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें शॉपिंग मॉल है और जिसकी पार्किंग 3 फ्लोर्स की बेसमेंट के अंदर है। और इसमें जो ग्राउंड फ्लोर है, इसमें जो साइज़ वग़ैरह हैं वो आप ये समझ लें तकरीबन 200 स्क्वायर फीट से लेकर 2500 स्क्वायर फीट तक की कैटेगरीज़ हैं इसमें। और सेम इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर में भी है। सेकंड फ्लोर जो है वो फूड कोर्ट है और इसके अलावा बाकी इसके ऊपर हमने 5 फ्लोर्स की पार्किंग दी हुई है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्सन ही जो है वो कार पार्क कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है फ्रॉम द 8th फ्लोर इसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स शामिल हैं, जिसमें 1, 2, 3 and 4 बेड की कैटेगरीज अवेलेबल हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे हमारे पास ऐसा है कि 2 बेड की 2 कैटेगरीज हैं, 3 बेड की 3 कैटेगरीज हैं एंड 4 बेड की 4 कैटेगरीज हैं। और बाकी इसके अलावा ये है कि क्योंकि ये प्लॉट ही 3 कॉर्नर है, तो वहाँ पर जो उसकी फेसिंग जा रही है वो फ्रंट फेसिंग है जिना एवेन्यू की, और यहाँ पर हॉस्पिटल फेसिंग है एंड ये वाला जो रोड है यहाँ पर साइड में ही इम्तियाज है। तो ये 3 लैंडमार्क्स हैं इसके। ज़बरदस्त, मतलब आपने 3 कैटेगरीज दी हैं इसमें, 1 बेड की, 2 बेड की और 3 बेड की। नहीं, 1 बेड की सिर्फ 1 कैटेगरी है। जी जी, हाँ जी। और 2 बेड और 3 बेड की जी, उसमें बहुत अच्छा है। आप डिसाइड कर सकते हैं, आप उसमें ऑप्शंस आपको मिलेंगी, आपकी फैमिली या आप उसे कितना एरिया आपको चाहिए अपने बजट के हिसाब से भी उसे दे सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें हमें ये चीज़ मिलेगी जो कि ऑलमोस्ट बाज़ प्रोजेक्ट में, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें नहीं हमें मिलती। तो इसमें वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है व्यूवर्स। और इसकी पार्किंग के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे बहरिया टाउन या किसी भी जगह पे जहाँ पे एक कमर्शियल हब हो, कमर्शियल जोन हो, वहाँ पे अगर देखें तो पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो व्यूवर्स, उसी सिलसिले में जैसा कि उन्होंने ब्रीफ किया कि नीचे कमर्शियल की जो बेसमेंट में अलग से पार्किंग है और जो अपार्टमेंट हैं उनकी अलग से पार्किंग है, तो पार्किंग का हमें यहाँ पे बिल्कुल मसला नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे जो अपना लाइफस्टाइल है उसे जिएंगे नहीं, इंजॉय भी करेंगे। और बहुत अच्छा खूबसूरत बहरिया टाउन की प्राइम लोकेशन पे है, 3 कॉर्नर प्लॉट है मैम। एग्जैक्टली। और मैं एक और चीज़ आपको बहुत बड़ी ऐड अप करना चाहती हूँ, क्योंकि कहानी सिर्फ ये नहीं है कि हम कमर्शियल की पार्किंग दे रहे हैं एंड रेजिडेंशियल की सेम इसी बिल्डिंग में है, बट रूफ टॉप पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसमें लेडीज़ जिम, जेंट्स जिम, किड्स प्ले एरिया, बारबेक्यू एरिया एंड लॉट ऑफ मोर लाइक फैसिलिटीज़। लाइक अगर इफ़ यू आर लिविंग इन दिस बिल्डिंग, सो आपको नीड ही नहीं है कि आप कहीं और जाएं, राइट। बारबेक्यू एरिया तक इसमें जो है हमने दिया हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रूफ टॉप स्विमिंग पूल है, जिसका लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ अभी तो फिलहाल हमारे पास है। ये चीज़ ये भी प्लस पॉइंट है इस बिल्डिंग, इस प्रोजेक्ट का ये भी प्लस पॉइंट है। आप बिल्कुल रूफ टॉप पे दे रहे हैं उसकी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसमें आप स्विमिंग पूल और जिमनाजियम बच्चों के लिए, वो तो सारा आप समझ लें, पेंट हाउस आपको फ्री में मिल रहा है, पेंट हाउस आपको फ्री में मिल रहा है। आप देखें कि आप ग्राउंड प्लस 30 की बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और आपको उसका बहुत खूबसूरत नज़ारा, बल्कि पूरा बहरिया टाउन आपको उसके आपको टेरेस से नज़र आएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। एक और चीज़ ऐड करूँ कि इसका जो 4 बेड है हमारा,
फोर बेड की कैटेगरीज है हमारे पास, दो हैं, एक डायमंड और एक प्लैटिनम है। डायमंड जो है ये वाली कैटेगरी है, ठीक है ना? ये साइड पे हाँ जो थ्री साइडेड हमें मैक्सिमम टू साइडेड इसका व्यू नजर आएगा, जबरदस्त जबरदस्त। जो बंदा यहाँ रह रहा है वो बैरिया गेट भी देख सकता है, थीम पार्क भी उसको थोड़ा बहुत जबरदस्त हो सकता है, ठीक है ना? तो ये पूरे बैरिया टाउन को आप 360 डिग्री व्यू कर सकते हैं और उसका पैनोरामिक व्यू है, बहुत जबरदस्त। ये चीज ही हमारा चेरी प्रोडक्ट है, ये समझने इस प्रोजेक्ट का। व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ट्रस्टेड बिल्डर का प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन कराची में। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसे सिक्योर होना चाहिए, ये मैटर करता है। आप इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें और वो आपकी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखेंगे एक फ्रंट एलिवेशन उसका कितना खूबसूरत है, जब ये बनेगा तो उसके बाद जहरी सी बात है यहाँ से पूरा बहरिया, वैसे भी माशाल्लाह हम एक बहुत खूबसूरत लाइफस्टाइल के साथ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है। कराची की नस्बत देखें तो बहुत ही खूबसूरत, और आप किसी और सिटी में जैसे आ गए हैं तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मैम। इसकी फ्रंट एलिवेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, और इसकी मेन है इसकी लोकेशन, कि एक लोकेशन आपको ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे आपको मैक्सिमम अराउंड जो है बहरिया टाउन कराची का सारा व्यू नज़र आएगा। तो व्यूअर्स, और कुछ मैम इसके बारे में आप गाइड करना चाहें? बस इसकी एलिवेशन से मुझे एक और चीज़ बतानी जो ज़रूरी है, ये दुबई बेस्ड आर्किटेक्ट से हमने करवाया है, जबरदस्त जबरदस्त। बाकी लोकेशन के हवाले से तो आपने हर चीज़ जो है वो बता ही दी है कि बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन है इसकी, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि गली में हो किसी भी, मतलब मेन रोड पर है, मेन जिना एवेन्यू फेसिंग है, तो बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ये जैसा व्यूअर्स आप इसके 3D मॉडल में देखें, आपको डबल रोड जो है वो सिंगल रोड नहीं है, डबल रोड, मैक्सिमम 100 उसके जो स्क्वायर फिट के डबल रोड, इसकी तीनों साइड पे जो है थ्री साइड ये पूरा प्रोजेक्ट है, और उसकी तीनों साइड पे आपको अच्छे रोड्स मिलेंगे, पार्किंग का एरिया बाहर भी काफ़ी आपको मिल सकता है। जी व्यूअर्स, हमारी नई नई अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। और मज़ीद इस प्रोजेक्ट के हवाले से आप मज़ीद कोई डिटेल लेना चाहें, इसकी बुकिंग के हवाले से या इसकी बुकिंग आप करवाना चाहें, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। और इसी के साथ आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बस यही कहूँगी कि योर ड्रीम इज वेटिंग, जस्ट वन कॉल। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।